हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेडिकल पैरामीटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। तो ऐसे ही पैरामीटरों में हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है पल्स रेट। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में इसकी रेंज 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की धड़कन एक मिनट में 72 है तो वह नॉर्मल मानी जाती है। इसका जो एवरेज रेंज होता है वो है 60 से लेकर 80 बीट्स पर मिनट होता है। दूसरा पैरामीटर है ऑक्सीजन लेवल का, जिसे SpO2 लेवल भी कहा जाता है। ये दोनों आपको पल्स ऑक्सीमीटर में मिल जाएंगे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का जो ऑक्सीजन लेवल या SpO2 लेवल 95 से ऊपर होना चाहिए, 95% से ऊपर होना चाहिए। और यदि इसका लेवल 90 से नीचे चला जाता है, यानी कि 90 से कम हो जाता है, तो वह चिंता की बात होती है और उस समय आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है रेस्पिरेटरी रेट, यानी श्वसन दर। एक सामान्य एडल्ट व्यक्ति में इसकी रेंज 18 श्वसन दर प्रति मिनट होती है और इसकी जो एवरेज रेंज होती है वो 12 से लेके 20 तक होती है। यदि किसी व्यक्ति की श्वसन दर 12 से कम है या 20 से अधिक है तो वह असामान्य दर होती है। ऐसी एबनॉर्मल रेट में आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है शुगर लेवल का। एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो 100 के आसपास रहना चाहिए। इसकी एवरेज रेंज 70 से 150 तक होती है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की कोई भी शुगर लेवल हो, चाहे वह खाना खाने के बाद हो या भूखे पेट हो, तो वह इस रेंज से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। इस रेंज से अधिक का लेवल व्यक्ति में डायबिटीज को दर्शाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हार्ट रेट, यानी कि हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में इसकी रेट 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए और इसकी एवरेज रेंज 60 से 80 के बीच होती है। नेक्स्ट पैरामीटर है बॉडी टेम्परेचर। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा इसे फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। फ़ारेनहाइट में एक व्यक्ति का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए और इसकी जो एवरेज रेंज होती है वो 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। इसके अलावा यह डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में टेम्परेचर माप रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है HB या हीमोग्लोबिन। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए। इससे कम का HB या हीमोग्लोबिन एनीमिया कहलाता है। किसी भी एज ग्रुप या सेक्स के अनुसार एक व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल 11 से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसकी जो एवरेज रेंज होती है वह 11 से लेकर 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। इस वीडियो का अंतिम पैरामीटर है BP, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो भागों में बांटा जाता है, जिसे नीचे का या ऊपर का BP कहा जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का BP 120-80 होना चाहिए और इसकी जो रेंज है, नीचे का जो BP है वो 70 से 80 तक होना चाहिए और ऊपर का BP 100 से 120 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा यह BP एज पर भी निर्भर करता है। बच्चों में इसका लेवल कम होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वह BP थोड़ा अधिक भी नॉर्मल होता है। जैसे 60 से ऊपर के व्यक्तियों में 130 का ऊपर का BP भी नॉर्मल माना जाता है। थैंक यू।